आज एक डीओ ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है ड्रेस कोड के ऊपर, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? मेरे ख्याल से ड्रेस कोड की कोई भी कंपल्शन टीचर्स को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर है एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए। बच्चे सिर्फ टीचर की ड्रेस नहीं देखते, बच्चे टीचर का वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ स्पीकिंग सब कुछ इमिटेट करते हैं, सिर्फ ड्रेस नहीं देखते। तो ये जो लागू किया गया आज से, उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी सरकार को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि वो किसी के ऊपर ऐसी कोई बंदिश थोप दे अपनी मर्जी से, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो खुद ये जानते हैं कि वो किस तरह के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं और उन्होंने कैसी ड्रेसेस वियर करके जानी है। तो क्या आप भी पहनते हो? जी हाँ, मैं भी। तो आज के बाद तो क्या करेंगे? अभी तक तो मतलब हर तरह की ड्रेसेस स्कूल में पहन लेते हैं, तो आगे से तो यही देखना पड़ेगा कि स्पेशल से सलवार कमीज वगैरह नए सिलवाने पड़ेंगे, और हम सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि हमें वो कोई इस तरह का कोई भत्ता या कोई एक्स्ट्रा सैलरी दे, ताकि हमें ये सारा कुछ नए तरीके से अरेंज कर सकें। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट सो एज टू इनकल्केट स्टूडेंट्स टू बी डिसिप्लिन। दे टीचर्स दे आर देयर आइडल्स, द स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ वन दे फॉलो देयर टीचर्स स्पेशली इन ड्रेसअप इन देयर हेयर स्टाइल्स। तो बच्चों को सुधारने में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट सो दैट द स्टूडेंट्स रिमेन इन डिसिप्लिन, एंड इट मे ऑल्सो भी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग डीप टीजिंग, बिकॉज बॉयज फॉलो देम वेन एवर दे आर ड्रेस्ड अप इन ऑकवर्ड ड्रेसिस, सो इट इज़ वेरी सेफ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर द मॉडल्स फॉर देम। सो आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट दैट दे हैव टेकन दिस स्टेप लेटर, बट इट इज़ सूनर। मैम आप भी पहले पहन के आते थे? नहीं, कभी कभी, बहुत कम। व्हेनेवर वी फील रिलैक्स्ड, स्पेशली इन एग्जामिनेशन डेज, बिकॉज इन दोज डेज स्टूडेंट्स आर नॉट देयर आफ्टर फाइनल एग्जाम्स, सो वी वेयर जीन्स और टी शर्ट्स और स्लीवलेस सूट्स, बट नाउ वी विल अवॉइड, डेफिनेटली वी विल बी एग्जाम्पलरी बिफोर द स्टूडेंट्स सो दैट वी मे बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। तो आप अपने टीचर साथियों को क्या मैसेज देंगे उसके बारे में? मैं सभी टीचर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली जेंट्स को भी, दे शुड ऑल्सो बी अ ट्राउजर्स इंस्टेड ऑफ जीन्स, बिकॉज जीन्स दे आर ऑल्सो टाइट फिटेड एंड पुट अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द गर्ल स्टूडेंट्स, सो इट इज़ अ सोशल इवेल एंड ऑल द टीचर्स शुड टेक एन ओथ दैट दे विल बी अ सिंपल ड्रेसेस एट स्कूल। हाँ, हमें भड़कीले भड़काऊ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिंपल कपड़े पहनकर आने चाहिए, उससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। ऐसी ऑर्डर के बारे में बताया स्कूल में आपने? स्कूल में हमें आज ही पता चला, अभी पता चला, सुबह हमने न्यूज़ में भी बच्चों से भी लिखवाया अपने ब्लैक बोर्ड पे कि आज ये ऑर्डर जारी हुआ है और इसको हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैम देखा जा रहा है कि आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, उसके बारे में? हमें पहले नहीं पता था, अब हम इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को आप क्या संदेश दे रहे हैं इसके बारे में? हाँ जी सर, बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं, टीचर को क्या संदेश दे रहे हैं? बच्चों को हम ये संदेश देते हैं कि बच्चे हमेशा सिंपल, साफ सुथरे, अच्छे कपड़े पहन कर आएँ, जो समाज को देखने में भी अच्छे लगे और खुद पहने हुए भी कंफर्टेबल लगे। टीचर की ड्रेस के ऊपर कितना असर पड़ता है बच्चों को? टीचर की ड्रेस सिंपल ही हो जितनी उतनी अच्छी लगती है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है उनका, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो बच्चे भी हमसे देख कर ही सीखेंगे जो भी सीखेंगे। अगर हम खुद ही ऐसे कपड़े डालेंगे तो बच्चों पर क्या इंप्रेशन डालेंगे? तो ये जो फैसला लिया गया अच्छा है या कैसे? बिल्कुल सही फैसला है ये। तो प्रिया जी, आप भी पहले कभी टॉप या जीन पहन के स्कूल में आते थे? हमने कभी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं डाला, हम अब प्रॉपर अपने ड्रेसिंग सेंस में आते हैं, सूट डाल कर आते हैं, हम कभी जीन्स वगैरह नहीं डालते। तो आप बच्चों को, दूसरे टीचरों को क्या मैसेज देंगे इसके बारे में? यही देना चाहूँगी कि आप अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सही रखो, अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो बच्चे हमसे देखकर जरूर सीखेंगे। अगर हम ही जीन्स टी शर्ट्स डाल के आएंगे तो वो तो बच्चों पे इंप्रेशन तो गलत ही पड़ेगा, वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि अपना ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रखो, तो हमें भी अपना ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर रखना चाहिए।